दो हवाला जात पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे अमल भी करेंगे। आमीन। मत्ती की अंजील, मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, दो बाब और उसकी आयत नंबर 1 और 2 लिखा है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। लूका की अंजील उसका 2:8-11 लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगेबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका, उन आयत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। पाकलम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर, अमल किए जाने पर खुदा तशरीफ रखे। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह। आज हम खुदावंद यीशु मसीह जो 2022 साल पहले दुनिया में इंसानी सूरत में पैदा हुआ, उसके जन्मदिन को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी पहली आमद। और कलामे मुकद्दस में से हम अपनी तरबियत के लिए, अपनी सलाह के लिए और अपनी तमाम जो कोशिशें हैं उनको बाला ताक रख कर नसीहत हासिल करते हैं। जब तक हम अपने आप को एक तरफ नहीं रखेंगे, यानी अपनी खुदी का इनकार नहीं करेंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, हम खुदा के कलाम को समझ ही नहीं सकते। और फिर हम अगर समझ नहीं सकते तो हम उस पर गौर भी नहीं कर सकते और ना ही फिर हम अमल कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को कलाम की रोशनी में देखें कि चरवाहे और मजूसी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि चरवाहों और मजूसियों की वर्शिप, इबादत खुदावंद यीशु मसीह के लिए। जब चरवाहों को खुदा का कलाम मिला, पैगाम मिला, तो उन्होंने उस पर यकीन किया और उन्होंने मशवरा किया कि आओ जो कुछ हमें बताया गया है चल कर देखें, और उन्होंने आकर जैसा उनको कहा गया था कि एक बच्चा चरनी में लिपटा हुआ तुम्हें मिलेगा, निशान दिया, और वो उस जगह पहुंचे, उन्होंने देखा और उन्होंने मुकद्दसा मरियम और यूसुफ को बताया कि इस तरह से हम यहां पहुंचे हैं, हमें खुदा की तरफ से यह पैगाम मिला है।
यकीनन मुकद्दसा मरियम और यूसुफ की हौसला अफजाई हुई होगी। अगरचे दुनिया ने उन्हें अहमियत नहीं दी, ना मुकद्दसा मरियम को, ना यूसुफ को, ना खुदा ने सोची, दुनिया का खालिक मालिक, दुनिया जहान का मुनजी पैदा हुआ और चरवाहों ने इसका नोटिस लिया। जब उनको पैगाम मिला तो उन्होंने नोटिस लिया कि हम चलते हैं, जाकर देखते हैं। और चरवाहों ने आकर यीशु को देखा, सजदा किया, तमजीद की, हम्द की। इसकी क्या वजह थी कि खुदा चरवाहों पर यह भेद खोलता है? चरवाहों को यह विजन दी गई, ये रोया दिया गया, क्यों? खुदा उनको यह बताना चाहता था कि आओ, मैं तुम्हें वो बर्रा दिखाता हूं जो दुनिया जहान का गुनाह उठा ले जाए, क्योंकि वो चरवाहे बेऐब बर्रे पालते थे ताकि लोग उनसे लें और उनकी कुर्बानियां हैकल में गुजारें। खुदा ने उन पर ये भेद को खोलना था कि ये बर्रा जो पैदा हुआ है, ये यीशु मुनजी कायनात जो पैदा हुआ है, इसकी कुर्बानी के बाद फिर बर्रों की कुर्बानी की जरूरत नहीं होगी, जिसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूं कहा था, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 29 आयत में। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। चरवाहों ने भी वापस जाकर अपने तजर्बा को, जो उनकी जिंदगी में वकूफ पजीर हुआ था, दूसरों के साथ बयान किया। उस बर्रे के मुतल्लक उन्होंने लोगों को बताया कि फरिश्ते आसमान से आए हैं, उन्होंने हमें यह पैगाम दिया है और हमने जाकर खुद अपनी आंखों से उस मसीहे मसलूब को, जो होने वाला था मसलूब, अपनी आंखों से देखा है। उस मुनजी जो जहान को, उस मुनजी खुदावंद यीशु मसीह को, जिसकी पेशनगोईयां मुद्दतों से हो रही थी, मुद्दतों से जिसके इंतजार में थे लोग। चरवाहों ने लोगों को बताया कि जिसके इंतजार में तुम थे, हम उसको अपनी आंखों से देखकर आए हैं। और उन्होंने लोगों को बताया, वो शर्माए नहीं। खुदा क्यों सादा लोगों पर ये भेद खोलता है? वो जो दूसरों के साथ हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, जो धूप छांव, गर्मी सर्दी, गर्द हर किस्म के हालात का मुकाबला करना जानते हैं, किताबे मुकद्दस बयान करती है कि मुबशराना खिदमत के लिए खुदा ऐसे ही सादा लोगों को चुनता है जो पूरे तौर से उसका यकीन करते हैं, शक नहीं करते बल्कि उसकी तलाश करते हैं। और यसाया 55 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि जब तक खुदा मिल सकता है उसके तालब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो, मुझे और आपको उसकी तलाश करने की जरूरत है।
चरवाहे तलाश करके यीशु के हजूर पहुंचे, उन्होंने यीशु को देखा, उन्होंने यीशु को सजदा किया। अब मुझे और आपको तलाश करने की जरूरत है, क्या मुझे और आपको यीशु को तलाश करने की जरूरत है? यीशु आपके दरमियान है, यीशु आपके अंदर है, वो हमारे साथ है। उसका नाम क्या है? ईमान। खुदा हमारे साथ, और यीशु ने खुद मत्ती की इंजील में 28 बाब के आखिरी हिस्से में कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे, अब वो आपके पास है। दुनिया के लोग अपने महबूतों को तलाश करते हैं, लेकिन हमारा खुदा, हमारा यीशु, दुनिया का मनोजी कहता है मैं खोए हुए को ढूंढने वाले जाते हैं। मेरे अजीजों, हमें इन बातों को याद रखना है, हमें उसको पुकारना है, उसकी तलाश जारी रखनी है, उसकी हजूरी में आने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। चरवाहे तैयार हुए और उन्होंने आकर यीशु की वर्षिप की, इबादत की, तमजीद की, हम्द की। हम गौर करें कि हमारे पास यीशु है, हमारे अंदर यीशु है, हमारे साथ यीशु है, और हम कितनी वर्षिप करते हैं, हम कितनी इबादत करते हैं, हम कितने सजदे करते हैं, या सिर्फ हम गाने तक महदूद हैं कि सजदों पे सजदे करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि बल्कि तुम पहले खुदा की बात से राष्ट्रवादी को तलाश करो तो सब चीजें तुम्हें देते। खुदा ऐसे सादा लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और अपने लोगों को तमाम चीजें देने का उसने वादा किया है, लेकिन पहले वो कहता है कि तुम उसकी बादशाही, किसकी बादशाही है? यीशु की। राष्ट्रवादी किसकी है? यीशु की। आप और मैं यीशु में मुफ्त राष्ट्रवाद है। हालेलुया, आमीन। खुदा सादा लोगों को इस्तेमाल करता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो हजरत दाऊद और अमूस नबी दोनों क्या थे? दोनों चरवाहे थे। अमूस नबी वो भी चरवाहा था और दाऊद भी चरवाहा था। खुदा ने उन पर भी अपना आप जाहिर किया, खुदा ने उनको भी चुना। और उन पर अपना कलाम जाहिर किया और उन्होंने खुदा के जलाल को देखा, खुदा के जलाल को पाया और खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं मजूसियों की, जो चरवाहे थे, बड़े सादा लोग थे, बस लोग थे, और खुदा ने उन पर अपने जलाल को जाहिर किया, अपने भेद को जाहिर किया और दीदार करवाया अपने बेटे खुदा ने यीशु मसीह। अब मजूसियों की बात करते हैं और उनकी वर्शिप की बात करते हैं। मजूसी जो थे वो बहुत आलम थे, इल्म नजूम के माहिर थे, और ये मशरक में इस एरिया में रहते थे और सितारा आसमान पर नमकदार हुआ और वो सितारे की रहनुमाई में कहां पहुंचे? जहां यीशु था। मुकाशवा की किताब 22 बाबर उसकी 16 आयत में लिखा है, इसमें खुदा यीशु मसीह अपने आप को सुबह का चमकता हुआ सितारा कहते हैं, इसलिए हमें उस सितारे की रहनुमाई में चलना है, हमें यीशु की रहनुमाई में चलना है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मेरी और आपकी मंजिल क्या है? उन लोगों की मंजिल यीशु मसीह को देखना था
यीशु की वर्शिप करना था, प्रस्तुति करना था, हम करना था, दीदार करना था। मेरी और आपकी मंजिल आसमानी बादशाही है। मुझे और आपको आज उस सितारे की रहनुमाई में चलना है जिसको सुबह का चमकता हुआ सितारा कहते हैं, क्योंकि वो नूर है जिसने कहा था कि मैं दुनिया का यूहन्ना पहला बाब 9-11 में लिखा है कि की नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना, वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। आए मेरे अजीजों, हम सितारे की रहनुमाई में बढ़ते हुए अपनी जिंदगी, हमारा सितारा कौन है? सुबह का चमकता हुआ सितारा कौन है? यीशु मसीह। दुनिया का नूर कौन है? यीशु मसीह। आए उस नूर में बढ़े, आए उस नूर की रहनुमाई में चले। वो जो मुजस्सम कलाम है, वो जो अल्फा ओमेगा है, वो जो खुदाए पाक है, सच्चे दिल से उसे अपनी जिंदगी में कबूल। चरवाहों ने कलाम को कबूल किया, कलाम को प्रार्थना किया और उसकी गवाही दी। उनके पास आवाज में कलाम आया, उनके पास शहादत में कलाम आया। आपके पास ये लिखा हुआ कलाम है और ये बहुत सारी शहादतें देता है। दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी निशानी में लिखा है, क्योंकि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो चिराग है जो हथेली जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक वो ना फूटे सुबह का रोशन सितारा तुम्हारे दिनों में छपके। सुबह का रोशन सितारा यीशु मसीह हमारे दिलों के अंदर हर वक्त चमकना चाहिए। कलाम की रहनुमाई में बढ़ना होगा। अब देखते हैं कि मजूसियों की इबादत, वर्शिप, मजूसी जो दूर दराज मुल्क से आए थे, वो यीशु को सजदा करने और उसकी तमजीद करने आए थे, इसलिए हमें भी सजदा करने, उसकी इबादत करने के लिए उसके पास जाना चाहिए। खुदा की हैकल में, खुदा के घर में, इबादत खाना में हमें उसके हुजूर आना चाहिए। आज कितना खूबसूरत दिन है, कितना अजीम दिन है, कितना बरकत दिन है। अगर आज भी सारे लोग चर्चेस का रुख करें तो मेरा ख्याल है कि चर्चेस में जगह, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को इबादत करते हैं फिर सुबह चर्च नहीं आते, और अभी भी ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे खानदान जो रात को आए अभी नहीं आए, जो रात को नहीं आए तब भी आए। जब भी हमें मौका मिले हम खुदा की इबादत करें, वर्शिप करें। ये मजूसी कहां से आए? देखें, अपने मुल्क को छोड़ा, अपने खानदानों को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा, हालात की परवाह ना की, दुश्वार सफर की परवाह नहीं की, लेकिन वो खुदावंद की हजूरी में पहुंच गए। हम घरों के नजदीक होते हैं, इबादत खानों के नजदीक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम घबराते हैं, हम परेशान होते हैं, सर्दी बहुत है, हालात ठीक नहीं, दहशतगर्दी है, हमें खौफ घेरे रखता है। यीशु अपने कलाम में बारहा कहता है कि डरो मत, खौफ न। फरिश्तों ने भी जब उनको पैगाम दिया चरवाहों को, तुमको कहा डरो मत, लेकिन हम आज डर रहे हैं, खौफ ज्यादा है।
हमें अपने अंदर से इस खौफ को निकालना है। मजूसियों ने परवानगी की सफर की तकालीफ मसाइल हालात उन्होंने सब कुछ छोड़ा, घर बार छोड़ा और उनके कदम ये मुश्किलें ये मुसीबतें ये हालात रोक ना सके। वो जान गए थे कि बादशाहों का बादशाह मुनजी कायनात पैदा हुआ है और हमने जाना है और हमने उसका दीदार करना है और हमने उसको सजदा करना है। उन्होंने मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला किया, मुश्किल सफर उन्होंने तय किया और वो आए। उन्होंने अपनी आरामदेह जगह को छोड़ा, वो अपने घर में कितने पुरसकून होंगे, जैसे आप अपने घरों में पुरसकून होते हैं। हम जहां कहीं भी चले जाते हैं लेकिन कहते हैं कि हमें जो सुकून हमारे घर में मिलता है कहीं और नहीं मिलता। मजूसियों ने अपना घर बार छोड़ा, अपना सुकून छोड़ा, वो अपने कंफर्ट जोन से निकले, दिल पसंद जगह को छोड़ दिया। उन्होंने भी अपने रवैयों को तब्दील किया, जैसे इब्राहिम निकल पड़ा। में लिखा और खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी अकल अपनी सारी ताकत से मोहब्बत है। खुदा का कलाम मुझे और आपको यह कहता है कि हम सारी अकल से सारी ताकत से सारी कुवत से खुदा के साथ क्या करें। हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। इसलिए मेरे अजीजों हमें इस दौर में जाफिशानी करने की जरूरत है, पूरी जाफिशानी करने की जरूरत है, अपनी सारी कुव्वत और अकल को इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा मुकाबला किससे है, अबलीसी कुव्वतों से जो आसमानी मुकामों में हमें मुख्तलिफ तरीकों से रोकती हैं कि हम खुदा से दूर रहें। चरवाहों ने परवाह नहीं की अपने माल डंगर की, वो अपने सब कुछ छोड़कर यीशु का दीदार करने चल पड़े। मजूसियों ने परवाह नहीं की हालात की मुश्किलात की, वो चल पड़े, उन्होंने वर्शिप की। वो आए और पहले झुके, मजूसी आए और पहले वो झुके और फिर उन्होंने क्या किया, खुदावंद को सजदा करने के बाद उन्होंने क्या किया, सजदा करने के बाद उन्होंने क्या किया, तहाइफ पेश किए, उन्होंने अपने डब्बे खोल दिए, उन्होंने अपने डब्बे खोल दिए और इकरार किया कि यह सब कुछ तेरा ही है, तू ही इन सब चीजों को बनाने वाला है। उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया। हम क्या अपने सिर्फ दिलों को नहीं खोल सकते? अगर हम अपने दिलों को खोल देंगे तो फिर हमारी मुट्ठियां भी खुल जाएंगी, हमारे बटवे भी खुल जाएंगे, हमारे खजाने भी यीशु के लिए खुल जाएंगे और फिर हम हकीकी तौर पर उसकी प्रस्तुति उसकी इबादत करने वाले बन जाएंगे। जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, उसे बादशाह नहीं मानेंगे, अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अपने दिलों को उसके लिए नहीं खोलेंगे जिसके लिए खुदा यीशु ने कहा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे खोलेंगे। तो आएगा ना यीशु, अगर दरवाजा खोलना ही नहीं तो यीशु कैसे अंदर आएगा? दरवाजा बार बार बंद होगा अंदर बंद होगा? हाँ जी, दरवाजा अंदर से बंद होता है या बाहर से बंद होता है? अंदर से उस वक्त बंद होता है जब आप घर में मौजूद होते हैं और बाहर उस वक्त ताला लगा होता है जब आप घर से बाहर होते हैं। यीशु जानता है कि आप घर में हैं, इसलिए वो आपके दरवाजे को खटखटा रहा है।
आयन अपने आप को पसंद आ गए। वो बड़े आलम लोग थे, बड़े अमीर लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया, सरेंडर हो गए, तस्लीम कर लिया कि हां तू ही बादशाहों का बादशाह। उन्होंने अपनी खुदी का इनकार कर दिया, अपनी सारी कमजोर हालत को, अपनी सारी बुरी आदतों को उसके सामने रख दिया। गलतियों 5:19-21 आयत में यू लिखा है, यानी हरामकारी, नपाकी, शैवल प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयां, बिदतें, बोगस, नशाबाजी, नाच रंग, और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना। ऐसे लोग जो हरामकारी में पड़े हैं, जो नपाकी की हालत में हैं, जो शैवत प्रस्ती में हैं, जो बुत प्रस्ती में हैं, जादूगरी में हैं, अदावतों में हैं, झगड़ों में हैं, हसद में हैं, गुस्से में हैं, तफिरकों में हैं, जिदाइयों में, बिदतों में, नशेबाजी में है, नाच रंग में है, वो खुदा की बादशाही के वारिस कभी नहीं हो। कौन कहता है? कलाम कहता है। खुदा की बादशाही के वारिस वही होंगे जो अपने आप को खाली करेंगे, जो अपने आप को पस्त करेंगे, जो अपने दिल को खोलेंगे और मनजीए कायनात नाम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दिंदा मानते हुए उसके हुक्मों पर अमल करेंगे और जान देने तक वफादार रहेंगे, वही जिंदगी का ताज पाएंगे और वही उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे। मुकद्दसा मरियम, जो लोग उसके पास आते थे मिलने के लिए, चरवाहे आए, मजूसी आए, और भी लोग आए, तो उनकी बातों को गौर से सुनती थी, बातों को गौर से सुनती थी और बड़ा उस पर ध्यान करती थी। वो सोचती होगी कि इस जिंदगी में क्या हो रहा है, वो सोचती होगी कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो खुश भी होती होगी कि खुदा ने मुझे यीशु मसीह को पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया है। और वो इन सब बातों को सोचती हुई ध्यान करती होगी। मैं और आप कितना कलाम सुनते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि कलाम को गौर से सुना करो, ध्यान किया करो और इसकी चुगाली किया करो। जानवर चुगाली करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो चारा वो जो खाते हैं उनको अच्छी तरह से हजम हो जाए। और अगर हम कलाम पर गौर करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये हमारे बातन में उतर जाएगा और ये कलाम हमारी जिंदगी तब्दील कर देगा। हमने बहुत सारे क्रिसमस मनाए हैं, यहां पर हम जितने भी बैठे हैं, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, यहां छोटे बच्चे 2-3 क्रिसमस मना रहे हैं ना, या सिर्फ हम रूटीन में ईद मना रहे, खुश हो रहे, बस खत्म। ये वो मुजस्सम कलाम जो खुद खुदा है, जिसके लिए यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि
कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही तो भी 14 में लिखा कि कलाम ही मुजस्सम हुआ, वो कलमा खुदा का मुजस्सम हुआ। वो मेरे और आपके लिए पैदा हुआ था, किसी और के लिए नहीं। सबसे पहले मुझे अपनी जात के तलक से पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए पैदा हुआ। हम जानते हैं कि कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कुछ फजल बातें हैं। खुदा हमें हलाकत से बचाना चाहता है, खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, कसरत की जिंदगी हमें देना चाहता है, बबरकत जिंदगी हमें देना चाहता है। लेकिन जरूरी है कि हम खुदा के कलाम पर ध्यान करें, गौर करें, सुने और उस पर अमल करें। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और जो हमारा ईमान है बगैर अमाल के क्या है। और मकाशवा की किताब में लिखा कि सुनने वाला, पढ़ने वाला और अमल करने वाला क्या है। अगर अमल नहीं तो हम मुबारक नहीं। अगर हमारी जिंदगी में कलाम के मुताबिक अमल नहीं तो हम मुबारक नहीं है। इसलिए यीशुवा को खुदा ने कहा, पहला बाब उसकी 8 आयत में, मैं खुदावंद खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। खुदा कहता है कि दिन रात इसी का ध्यान हो। साडा ध्यान होर पासे लगा हुआ है, दुनियादारी च लगा हुआ है। फिर हम कहेंगे कि हम खुदा की बादशाह में जाएंगे तो जा सकते हैं, हमारा ध्यान तो कहीं और है। मेरा और आपका ध्यान अगर मसीह मसलूब पर नहीं, उसके कलाम पर नहीं, उसकी तालीमात पर नहीं, और अगर हम नूर में नहीं चलते, हम सुबह के रोशन सितारे की रहनुमाई में नहीं चलते तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पौलुस रसूल कुलसियों कलीसिया को लिखते हैं 3 बाब उसकी 16 आयत में कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने, कसरत से, जब कसरत से ही हमारे दिलों में बस जाएगा तो ये हमारे रूप बदन जान में रच जाएगा। और रूह कुछ जो हमारा मददगार है, हमारा रहनुमा है, हमें फिर तमाम दुनियादारी की बातों से, बदी से, हमली से, तारीकी से बचाएगा। कब? जब हमारा ध्यान दिन और रात खुदा के कलाम पर होगा और जब हम उस कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने देंगे। ज़बूर नवीस ज़बूर 19:5 आयत में लिखता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के चिराग, मेरी राह के लिए। कलाम आपको सुना दिया गया है और कलाम इससे पेशतर भी आप बहुत सुन चुके हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम इस कलाम को कसरत से अपने अंदर बसाएं और हकीकी प्रस्तुति करें, जैसे चरवाहों ने की, मजूसियों ने की और खुदा के लोग कर भी रहे हैं। हमें भी ऐसे ही खुदा की प्रस्तुति करना है, इबादत करना है और उसके कलाम पर ध्यान करना है और दुआ करें कि खुदावंद इस कलाम की रोशनी में मुझे जिंदगी बसर करने का फजल बख्शे। जो कोताहियां, जो गलतियां, जो खताएं, जो गुनाह मुझसे पिछले साल में हुए हैं, जो मैं क्रिसमस ऐसे ही मनाता रहा हूं, आज मैं जान गया हूं कि मुनजी खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए पैदा हुआ है, मेरे गुनाहों को उसने माफ किया है, वो बर्रा मेरे लिए दुनिया में आया जिसने दुनिया का गुनाह उठा लिया।
अब मुझे और आपको बर्रों की जरूरत नहीं है कि हम कुर्बानियां दें। हमारा बर्रा यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। उसने सलीब पर अपनी जान मेरे लिए आपके लिए दे दी है। उसके लहू से हम पाक हो चुके हैं, हम रास्तवास ठहर चुके हैं, हमारा कफारा अदा कर दिया गया है, हम कीमत से खरीद लिए गए हैं यीशु की बेश कीमत लहू से। सुबह का चमकता हुआ रोशन सितारा यीशु मसीह आपकी जिंदगियों को मुनव्वर करे और आप उसकी रहनुमाई में नूर में चलते हुए पाक जिंदगी बसर करें। खुदा आप सबको बरकत दे।